रखा है। बताओ बताओ आप क्या कुछ कहेंगे सर आज के इस कहा ही हो मैं। अभिजीत रानी एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, खास करके उन वर्गों के लिए जिनको सहायता की जरूरत पड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं जो उनके सहायक बन चलते हैं। अभिजीत रानी उन सभी परिश्रमी लोगों को सिर्फ सहायक नहीं बनता, परिवार बन के चलता है। हर लड़ाई लड़ते हैं, हर लड़ाई में लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। उन्होंने मराठी संस्कृति और उत्तर भारत की संस्कृति को ऐसा ये कर दिया है, मतलब जोड़ दिया है कि लोगों को लगता नहीं है, न अभिजीत रानी को लगता है कि बम्बई में है, न उन लोगों को लगता है कि हम लखनऊ में हैं। ये स्थिति बनी हुई है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारे अभिजीत रानी को, अध्यक्ष को, जो मुझे पिता जैसे अपने सम्मान देता है। और मैं पूरा पुत्रोत्तर सिर्फ प्यार ही नहीं देता हूँ, हर जगह जहाँ भी जरूरत होता हूँ ईश्वर से कोशिश करता हूँ कि इनके जो भी लोगों के प्रति एक उदारता है, काम करने की क्षमता है, उसमें कभी कमी नहीं पड़ने पावे। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज यहाँ जो मैं आया हूँ धड़क कामगार के यूनियन के ऑफिस में, संस्थापक जी के यहाँ, मतलब हमारे लाडले स्टारों के स्टार सुपरस्टार अभिजीत राणे साहब के यहाँ, धड़क कामगार के, यानी मैं एक सदस्य हूँ धड़क कामगार का भी, मैं भी एक सेवक हूँ। और आज मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये देखा कि इस इतनी तादाद में यूपी बिहार के लोग यहाँ जमा हुए हैं। और आज खास एक फंक्शन रखा गया है जिसका टाइटल रखा गया है लिट्टी चोखा। जी हाँ, खाने तो सब देते हैं, दावतें सब देते हैं, मगर ये लिट्टी चोखा की पहली दावत मैंने देखी और ये और कोई नहीं कर सकता सिवाय धड़क कामगार के। और अभिजीत राणे साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मुझे भी यहाँ इस अवसर में बुलाने का के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ और आप लोगों के सामने आने के लिए। प्रेस वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम को कवर किया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज आपको इस नगरी में, मतलब धड़क कामगार की नगरी में, आर्य कॉलोनी की नगरी में, आपको ये लगेगा कि आप बिहार में बैठे हैं। वैसा ही गाना बजाना, वैसा ही संगीत, वही मूड, वही लिट्टी चोखा और वैसे ही लोग बाग, तो ये बहुत ही आनंद आया। तो मैं तो अभिजीत जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। नमस्कार जी सर। मैं हमारे यूनियन से निगड़ित जो लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, आज हमने यहाँ पर लिट्टी चोखा का आयोजन किया है। हज़ारों की तादाद पर में लोग यहाँ पर हर साल आते हैं। हम बहुत आनंद से ये फेस्टिवल यहाँ पर मनाते हैं। आज के हमारे प्रमुख अतिथि जो चीफ है, उत्तर भारतीय नेता सन्मान्य कृपाशंकर सिंह जी ने उनकी प्रमुख उपस्थिति दर्शाई। साथ में हमारे पिता तुल्य दिलीप सेन जी भी ये प्रोग्राम में आए हैं प्रमुख अतिथि करके, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी और बहुत सारे ढेर सारे वीआईपीज यहाँ पर ये प्रोग्राम में उपस्थिति लगाए हैं। ये हम रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, हाथ पर काम करने वाले जो उत्तर भारतीय हैं उनके लिए एक मनोरंजन के तौर पर ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। हम धड़क कामगार यूनियन एक प्रभावशाली संगठना है जो मुंबई और देश में बहुत आक्रामक तरीके से काम करती है। मुझे विश्वास है और मुझे अभिमान लगता है कि मुंबई में आज महाराष्ट्र में स्किल वर्कर्स जो है, वो स्किल वर्कर्स अभी उत्तर भारत से ही हमें मिलते हैं। और लगभग आज हमारी जो वर्कफोर्स है, लगभग 6-7.5 लाख लोगों की नेतृत्व करने वाली जो धड़क कामगार यूनियन है उसमें आधे से ज़्यादा उत्तर भारतीय लोग हैं और हम उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे अभिमान है कि उत्तर भारतीयों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो मुझे अपनापन दिया है, वो मुझे, मेरा हौसला, मेरी हिम्मत बढ़ाता है और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहिए और वो हेतु मैं जो सेवा दे सकता हूँ वो देते आ रहा हूँ। धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।